सब्सक्राइब कीजिए अमनदीप फिटनेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूट्रिशन एंड फिटनेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अमनदीप फिटनेस। आज हम बात करेंगे वेजिटेरियन ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट की। ऐसा सप्लीमेंट बताऊंगा आपको मस्ट है अगर आप लिफ्टर हैं, जिम जाते हैं, या आपके प्लान में होना ही चाहिए। अगर आप मसल साइज पुट ऑन करना चाहते हैं या मसल होल्ड करना है या फैट रिड्यूस करना चाहते हैं, और ये एक अल्टरनेटिव है फिश ऑयल सप्लीमेंट का। ये सप्लीमेंट ज़रूरी है उनके लिए जिनका वेट पुट ऑन नहीं होता, तो लोग उन्हें कहते हैं चावल ज़्यादा खाइए या कार्ब्स ज़्यादा चाहिए, सभी कार्ब्स खाने के लिए कहते हैं। वो अपनी जगह ठीक हैं, बट फैट्स भी ज़रूरी हैं। फैट्स मसल बिल्डिंग करते हैं लाइक प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एनर्जी देता है, बट मसल ब्रेकडाउन को प्रोटीन और फैट रिपेयर करता है। गाइज, हमारा सेल 50% फैट से बनता है और 50% अमीनो एसिड से बनता है। गाइज, हम बॉडी बनाने के चक्कर में प्रोटीन ले लेकर फैट्स को भूल जाते हैं, बट इसका भी एक रोल है। गाइज, फैट्स दो टाइप के होते हैं, EFA इसेंशियल फैटी एसिड्स और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स। नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो बॉडी खुद भी बना लेती है, और इसेंशियल फैटी एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमें खाने पड़ते हैं फूड के थ्रू, क्योंकि बॉडी उन्हें खुद नहीं बना सकती। और इसेंशियल फैटी एसिड्स में लाइनोलिक एसिड एंड अल्फा लाइनोलिक एसिड आते हैं, जिन्हें हम ओमेगा 3 भी बोलते हैं। और ओमेगा 3 के गुड सोर्सेज हैं फिश ऑयल सप्लीमेंट। ओमेगा 6 में आ जाते हैं सारे नट्स लाइक बादाम, मूंगफली, काजू, ऑलिव ऑयल, फ्लैक्स सीड और अखरोट। अगर आपको मसल बिल्डिंग नहीं हो रही तो आप फैट्स इंक्रीज करिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। गाइस, अगर आप ALA के डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो अबाउट ALA देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो अब बात ये आती है कि वेजिटेरियंस फैटी एसिड्स को मैक्सिमम क्वांटिटी में कैसे लें, जो कि कम से कम 2 ग्राम पर डे होनी चाहिए, क्योंकि डाइट से इतनी क्वांटिटी में ओमेगा 3 तो नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए आप वेजिटेरियन ओमेगा 3 सप्लीमेंट लाइक जेनिथ न्यूट्रिशन वेज ओमेगा 3 कंज्यूम कर सकते हैं, जिसका मेन इन्ग्रीडियंट है एल्गी। एल्गी एक अनदर एक्सेलेंट सोर्स है ओमेगा 3 इसेंशियल फैटी एसिड्स का। एक्वेटिक प्लांट्स ओमेगा 3 सिंथेसाइज करते हैं, और फिश में ये कंटेंट एल्गी से आता है जो वो खाती है। सो बेस्ट है कि आप भी एल्गी से ओमेगा 3 कंज्यूम करें, जो वेजिटेरियन के लिए बेटर अल्टरनेटिव है। गाइस, एल्गी को रॉ फॉर्म में कंज्यूम करना डिफ़िकल्ट है बिकॉज ऑफ टेस्ट। सो जेनिथ सप्लीमेंट एक बेस्ट ऑप्शन है, जो कि फिश फ्री सोर्स ऑफ ओमेगा 3 है। आप एक जेन्युइन वेज ओमेगा 3 सप्लीमेंट के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। गाइस, अगर आप फिश ऑयल सप्लीमेंट के रिलेटेड कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं अबाउट फिश ऑयल सप्लीमेंट, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए ओमेगा 3 के कुछ बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं इन बॉडी बिल्डिंग। नंबर 1, मसल गेन। स्टडीज़ ये बताती है जब हमारी बॉडी सफिशेंट अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 कंज्यूम करती है तो मोर मसल्स गेन करते हैं, स्पेशली जब गेनिंग फेज में होते हैं। इससे कैलोरीज जो फैट बन के स्टोर हो गई होती हैं वो पार्टीशनड होने लगती हैं इनटू मसल्स। नंबर 2, रिड्यूस बैली फैट। एक स्टडी ये बताती है कि इसेंशियल फैटी एसिड्स कंज्यूम करने के साथ अगर आप प्रॉपर फैट लॉस वर्कआउट प्लान फॉलो करते हैं तो मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। नंबर 3, गुड फॉर जॉइंट्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड जॉइंट्स में स्टिफनेस को रिड्यूस करता है, ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है और रिकवरी एनहांस करता है। नंबर 4, रिड्यूस हार्ट डिजीजेज। ओमेगा 3 फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने में हेल्पफुल है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स का रिस्क रिड्यूस करता है। नंबर 5, मूड सपोर्ट। ओमेगा 3 ब्रेन के लिए हेल्पफुल है और इसकी कंजप्शन सेरोटोनिन के लेवल्स को सपोर्ट करती है इन द बॉडी, जिसे फील गुड हार्मोन कहा जाता है। चलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड की डोजेज के बारे में जानते हैं। गाइस, आप इसे 2 से 3 ग्राम पर डे यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक सेफेस्ट डोजेज है। आप वेज ओमेगा 3 बाय जेनी न्यूट्रिशन ले सकते हैं और इसके 30 कैप्सूल्स की कॉस्ट ₹440 तक पड़ेगी। इस सप्लीमेंट के आप 2 से 3 कैप्सूल्स ए डे ले सकते हैं विद मील्स। सो गाइस, ये थी वीडियो रिगार्डिंग वेज ओमेगा 3 फैटी एसिड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिए अमनदीप फिटनेस। टिल देन, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।